राजबानो, इधर तो मैया मलना ने जैसे ही पत्र लिखा है, पत्र दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज की सभा में जब पहुंचा है तो इनके मंत्री चंद्रभाट ने विशेष परामर्श देकर मलना को 8 दिन की मोहलत दिलवा दी और इधर मैया मलना ने क्या किया? आज सोने के थाल में आरत लेके मलना पहुंची मठी मझारी, और मनिया देवता की मठिया में रच दो हवन मलहंदे माए, और स्तुति बानी करी महारानी मनिया देव महोबे अक्यारी, और 7 लाख से पिथिया राजने घेरो सागर ताल हमारी, और जो कहूं लूट करावे पिरथी बेशक खुद ये मठी तुम्हारी, और होम देवता को न रचाइए महबो पात पात लुट जाए। और या भा बोलिया तब देवता किया रानी सुना महोबे क्यारे, और पहली न सोची अब क्यों रोतिया हम कर लय बंधक बारी, और आधी रात के अध खंडा पे कै सोबत में दो तो जगाए, अब चरण पकड़ के मलना बोली देवता सुन ले वरज हमारे, और आला उदल रिज गिर छाए सपन में हाल सुनइयो जाए, और तब देवता बोलन लागो मैया सुन ले अरज हमारी, और बेई महोबो बेई मलना बेई बसत रजा पर माल, तनिक बात के ऊपर तुमने भर भादो में दो तो निकाले, और यावन की तो फोन चलावे सपन में मुड़ लिए रे कटवाए, और हम ना जाबे गढ़ रिज गिर को मलना से नाई दई करवाए, और साची जानी तब मलना ने ओ साची जानी तब मलना ने कर में लई ती कटार उठाए, पेट फार के मैं मर जाई हो आते गुदी दिए लटकाए, जागत देखी जब मनिया ने नामिया देव महोबे क्यारे, तब कर गए लो महारानी को मरना जाबो मलहंदे माए, अब तुम लौटो गढ़ महुबे को, अब तुम लौटो गढ़ महुबे को हम रिज गिर की सीधा लगाए, सोबत सपनों दे उदल को बे महुबे को हाल बताए, इधर तो राम सरण जी मलना लौट कर आंगन में गई और इधर देवता ने क्या किया? महुबे के उस मंदिर से प्रस्थान करके रिजगिर की तरफ चले हैं, उधर देव उदल क्या कर रहे हैं?
सात खंडत होरा के ऊपर लग रही थी से जाऊदे सिंगार के ढोरत नारे प्यारे फुलवासी उंगल सोबत पैर पसारे चपेटा जा रे हवा को फुलवा सोई गई पैर पसार के और सोबत सपनों दौदी बताने मनिया देव महोबे क्यारी और तुम तो सोबो रतन पलिंग पे महोबे की सोध दई थी बिसारी और सात लाख ते पिथिया राजन है घेरो महुबे कोर मैदानी और नदिया बेतबा सागर ऊपर तब तर खुलो धनिया चौहानी और फाटक बंदी है महुबे की बहिरो आए न भितरो जाए छोड़ी दई पुरसन ने तिरियन तज दई सब सिंगारे और बदलो बेलहा को ले बेको सागर डटे धनी चौहान और चंद्रा बलि को झूला कटी है नाक बना फरलारी और नदी बेतबा गण महुबे का उदल फौज करो तैयारी और सपनों देखे दिवता रंगो नींद जो चट्टू दे शिंक्यार एकदम चट पड़ो पलिंगा से फुलबा उठी भरा रखा कही सुनाई नदिया बिलवे की डांगन में आ गई फौज पे थोड़ा राय और उदल पहुंचे जाए मछलाते और भाभी दे कही सुनाए और याला भैया जानन पावे भावज पैया पर तुम्हारी हम जादन निकले ते महुबे ते रोई ती बहन सामने आए दिन कॉल करे चंद्रा ते हम तेरी पवनी दी कराई और सोई बहना महुबे घिर गई भाबज सुन ले अर्ज हमारे और हम जा बताए गढ़ महुबे को संगम जाए कनौजी राई फांसी लोटा डोर जैसे फांसी लई है
पिला गाय फैसी घेरी लई है मलना नारी रोई रोई के उदल के रब। इधर मेरे नौजवान साथियों, उदल अपनी भाभी मछला को महोबे का पूरा वृतांत बताकर अपने मित्र लाखन के आंगन के लिए चले और जैसे ये कन्नौज में पहुंचे हैं तो हुआ क्या अब लाख बाबू, आज कूद बे दोला पे चढ़ बैठे लईकन बज की असीदा लगा लाखन राना है मर्दाना दाना दार कनौजिया राए आज भुजा पकड़ दिबला बाले की जाने गद्दिया फैलाओ तू बैठा अरे हंस किया लाखन बोलन लागे साचे मित्र उदय सिंह लाल और लगो महीना है सावन को ऐशिया आबत मने हमार गड़ महुबे की तैयारी कर ले कर हे महुबे पूरे त्योहारी अब हंस के उदल बोलन लागे साचे मित्र कनौजिया राय सात लाख से पृथ्वी राज ने घेरो महुबे अकोर मैदान और जल्दी चलियो अगर महुबे को तुमको पवनिया दी है दिखाया बहन भेटे पृथ्वी राज से देखो शब्द वेद चौहान उदल का जैसे ये जवाब सुना है आंखों में खून के कतरे लेकर लाखन बोले बहुत दिना न ते युद्ध न कीनो देखिया पिरथिया सोरे सरदार अरे बंधे बछेड़ा कट्टर पर गए बैठे ज्ञान गए रे थुंदिया आए मंत्रिया को रे बुलवाओ लाखन हुकुम दो तो करवाए कैद ए नौ लख फौजियां आज कन बजकी एक ही संगली और सजवाई डंका बाजो जब कन बजमा पमर हाली रे गहके तब उदल किया बोले ते मंडली कयो तारे नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर मंडली बोले क्यों रे उदल ये तेरी फौजी कहां के लिए सजी। उदल ने जैसे ये सुना तो मुस्करा कर बोले दादा मेरी बात सुन लो एक उठिया शिकारियां है रे गाजर में
खेल न जाता शिकार और 15 दिन में वापिस आए हैं दादा मंडली कयो तारी। बेद छिपाए के आज आल हाते चल गए महुबे केरे मैदान आला ढेबा सैयद लाखन चारों जवान भेत तैयार। और मछला छैया कुमर कन्हैया पहुंचे तहां पर लाल कै और हसकिया इंदल बोलन लागे चाचा साची दियो बताए कहां की तैयारी तुमने कीनी रह रे प्राण रहो घबराए। और तब ही उदल बोलन लागे ओ सुनो परे ना लाल हाल छिपाओ है आला से तुमको साची दे बताए 7 लाख ते पृथ्वीराज ने घेरो महुबे को मैदान सागर पवनी ना करवा में चढ़ गो अग्निवंश चौहान। हम जाबत है गढ़ महुबे को बहन की पवनी दे करवाए। चाचा सुनो उदय सिंह लाल संगम हो बे हम चले करे सागर पे तलवार तुम लड़ लीजो पृथ्वीराज से मुताहर से दियो लड़ाई। भुंजरिया दिए सिरवाए नदिया बित बेते सागर लो बजी है जो एक धार तलवार। और भुजा पकड़ के तब इंदल की और उदल ने कही सुनाए और बारे सरैया मछला वाले पट्टे बाज खिलैया जवान और जिनके पुरखा अब समरत हो लड़का खेले महल मझार और काम समर को तुम का जानो घर बैठो लला हमार। और जब मोहलक यो पृथ्वीराज को इंदल डार भजो तलवार। तचके इंदल बोलन लागे चाचा पैया परे तुम्हारे छोटो छोटो हमें न जनियो हम छोटे हैं बुरी बलाए। और सबसे छोटो नाग पोनिया दे फुसकार छार हो जाए और छोटे कुंभजर सिने चाचा सबरो सागर लो ढकारे। सूरज को जग को मेटरे देता भैयार अरे छोटे हनुमान ने चाचा सविता गाल में लय दे दवाए। और जिनके लड़का के समरत हो गए खन खोन रे पड़ी परवार अरे बैठे रही हो चचारे तमुआ में सागर पे खेलेंगे जूझ रे अघार।
नैया कह दई सुनाए, अरे धन धन कोखी मछला भाभी की धन धन मंडरेली कै अवतार। ताकी कोखी में आए के बेटा इंदल आजुरे धरे अवतार, अरे धन धन भूम है नगर महुबे की जामे शेर रे लेते अवतार। इंदल सज किया खेतन में आओ महुबे को खूचरे दो करवाए, अरे जितनिया फौज के कन बजवाली राठौर महुबे में पहुंच गईया। इधर तो लोगों कन्नौज की फौजें महुबे में आ गई हैं, इधर पृथ्वीराज सुख की नींद डेरे में सो रहे हैं, इस समय आधी रात का है। और तब तक हुआ क्या, मुर्गा पैरी ने दे दई बांग रात याद ही पे, मुर्गा पैरी ने दे दई बांग रात याद ही पे। सोबतते चौंक के उठ बैठे पले का पे, पिरथी सोबतते चौंक के उठ बैठे पले का पे। इधर मेरे नौजवान साथियों, पूरी रात ये कन्नौज के जवान सुख की नींद अपने तम्बू में सोते रहे, और जैसे ही सुबह भगवान भास्कर ने आंखें खोली हैं तो सभी उदल सैयद ढेबा लाखन इंदल ये पांचों जवान बैठ गए और आपस में मशवरा करने लगे। लाखन कहने लगे, ढेबा सच बताओ, अरे कैसी साहित्य है महुबे में कैसे विजय लिए करवाए, मन की बातें ढेबा कह दे कैसे काम फतेह हुई जाए। तबई ढेबा बोलन लागे, ए तबई ढेबा बोलन लागे, सुनियो मित्र कन्नौजी राय जाई साहित्य में मान हो गए वहां पे लेते बाप के दाए, सोई साहित्य गढ़ महुबे में जुगिया बनो कन्नौजी राय, जोगी बन के भी कज मांगो मैया मलना के दरबार। जैसे लाखन को ढेबा ने जवाब दिया, भैया अगर महुबे में विजय करनी है तो हम सबको योगी बनना होगा। अरे भैया, जैसे योगी का नाम सुना तो उदल क्या बोला, तच के लड़का देवे बालो बोलन लगो उदय सिंह राय, कह कह और तुमको दहशत पृथ्वी राज की उनकी बनो रे बैसिया जाए। और ना ही बेदला बूढ़ो पर गो ना हम बेच खाई तलवार, नदिया बेट बेटे सागर लो बज है एक धार तलवार। आंखों में खून के कतरे लेकर ढेबा बोला, ओ उदल
हा कब कब गही ती ढाल तलवार ए फुलवा प्यारी अंगे देख नहीं तरा ठोर बने मनुष्य ते नारे और ना कछदाई बने लुगाईया वाई नरवर केर मैदान और बन किया धवल निबल बन बैठे पर गई धवल पना पे छारे और बन के जनाने गए नरवर में फुलवा देखी थी अटा मझार और तब का लहंगा हमने पहनो घूंघट डेढ़ हाथ को मारे और जा सुन पाई अति लाखन ठट्टा कर तक नौजिया राय और एक मेहरिया के काजे उदल नरवर बने मनुष्य ते नारे बात चाट गई तीरे उदल को गए नीचे को नार नवाए और हसी करी अति ढेबा भैया तुमने दई जा खोल अंगारे कपड़ा जो योधन के सब गेरुआ में दे तिरंगा के और पांचो योगी वहां से चल दे लई महुबे की सीधा लगाए मलना मैया की ड्यूढ़ी पे पहुंचे आज लोहरवा भाई ही उदल ने ओ बांदी चेर कही उदल ने तुम मलना को लाओ लिबाए जोगी आए तेरे द्वारे पे रानी भिक्षा दे डरवाए बांदी ते कही थी सुनाए गए ऐचे है लड़का पृथ्वीराज के पहुंचे भेद लेन को आए